भाई हमारे जानते होंगे कि जो भोजपुरी का मिठास है वो कोयल से कम नहीं है। आज मैथिली भाषा का जो लोग बोलता है कि बिहार में बहुत मीठा है क्या भाई, तो मैथिली भाषा है, भोजपुरी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 6 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं पूरे भारत में, और पूरे विश्व में 25 करोड़। आज भारत से ज़्यादा उसको महत्ता दिया गया है मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में, त्रिनिदाद में। मतलब आप समझिए कि जिस तरह का लोकप्रियता भोजपुरी का बढ़ता जा रहा है, और स्थिति क्या बनते जा रहा है कि आज जैसे ही कोई भोजपुरी गीत का बात करता है तो उसको महसूस होता है कि इससे अच्छा है कि आप पोर्न फिल्म देख लीजिए, आप कोई भी आप गाना का बात कर लीजिए। आज सभी दो अर्थी गाना जिस तरह से बाजार में और फूहड़ ढंग से कि कोई भी गायक भी अपने घर के परिवार और बच्चियों और अपने परिवार के साथ वो गाना नहीं सुन सकता है। गाना बनाने वाला और गाना बोलने वाला और उस पर मंचन करने वाला तीनों व्यक्ति भोजपुरी का जो फूहड़ गाना है उस पर अपने परिवार के साथ वो भी बैठ करके नहीं देख सकता है। तो मेरा सवाल इस पर बहुत महत्वपूर्ण था और मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में। इसलिए हो रहा है कि जो फूहड़ गाना गाया, भलगर से भलगर गाना गाया, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई बोला कि लहंगा उठा दे रिमोट से तो क्या हो गया भाई, तो गोरखपुर का MP हो गया। तो उस पर विश्व गुरु खुश हो गए, उसके बोल पर, उसके डांस पर। उसने जो इसमें मंचन दिखाया, जो इसमें डांस दिखाया कि लहंगा उठा दे हम रिमोट से, तो इस पर हमारे विश्व गुरु खुश होकर के उसको गोरखपुर के टिकट दिए और वो सांसद हो गए। उसी तरह से एक बोले कि कुर्ती के टूटल व बटनिया, ठीक बा, उस पर उन्होंने अपना मंचन दिखाया तो वो कहाँ के हो गए भाई, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हो गए। हम नाम नहीं बताएंगे, आप लोग खोज लीजिएगा। उसी तरह से तीसरा व्यक्ति भीतर के तीतर पर गाना गाए और बड़ा अच्छा डांस किए, उस पर खुश हो करके लोग उसको आजमगढ़ का टिकट दे दिया, वो भी आज सांसद हो गया। तो इसी को देख करके समाज में जो बेरोजगार लोग हैं आजकल अपना अपना पोर्टल खोलकर YouTube पर डालना शुरू कर दिया। तो मेरा यह कहना था कि भाई अगर इस तरह का फूहड़ गाना बन रहा है तो एक रेगुलरिटी अथॉरिटी बना दीजिए कि वो जांच करने के बाद ही इस तरह का गाना भोजपुरी का, ताकि जो हमारा बिहार का सभ्यता और संस्कृति है, जो राजा भोज के टाइम का यह भोजपुरी बनाया हुआ भोजपुर का है, जिसकी अपनी परंपरा है, अपना उसका मिठास है, वो बरकरार रहे। और इस तीन आदमी जो 3 MP हो गए और उसका समाज अनुसरण नहीं करे भविष्य में कि भाई फूहड़ गाना गाने से विश्व गुरु खुश हो जाएंगे और हम भी सांसद बन सकते हैं, और उसी का होर लगा हुआ है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। यही मेरा सवाल था। बात कर रहे हैं लेकिन BJP कह रही है आप तो राजनीति कर रहे हैं इस पे और कुछ नहीं कर रहे। अब भला हम तो यही बता रहे थे सदन में कि अगर मेरा बात अगर गलत हो, अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हो, तो हमारे बात को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए। और ये लोग दावा करें, ये लोग चैलेंज करें कि हम गलत बोल रहे हैं, हम तो उस गाने का बोल रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि वो 3 व्यक्ति पर विश्व गुरु खुश होकर के कहाँ लोकसभा का टिकट दिए, तो बात हम ये बात बोल रहे हैं। और हम ये भी बोल रहे हैं कि गाना पर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से रोक नहीं लग सकता। जिस तरह से शराबबंदी के लिए कानून बनाया गया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह अगर कानून बनाने में आप सक्षम नहीं है तो कम से कम रेगुलरिटी इसका एक अथॉरिटी बन जाना चाहिए कि जो कोई भी गाना कोई अगर YouTube पे डालता है, सार्वजनिक करता है, उसको बजाता है, तो पहले उसको टेस्टिंग होना चाहिए कि उसमें द्वर्थी कोई फूहड़ गाना है कि नहीं। सरकार ने क्या जवाब दिया? देखिए सरकार का तो जवाब भाई, इसके लिए हमने गृह विभाग ने एक पत्र निर्गत कर दिया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उसका तो वही अपना घिसा पीटा जो सवाल होता है और जवाब होता है अपना दिया।